नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कनाडा में। मैं हूं शेफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि रिसेंटली अभी आपने एग्जामिनेशन दिया है, लगातार आप सभी की तरफ से प्रश्न आ रहा है कि कितने मार्क्स आपके आए, फिर ये तय हो जाए कि आपका सिलेक्शन नेट में हो सकता है या नहीं, या JRF में हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उन कैंडिडेट्स के 6% लोगों का नेट में सिलेक्शन होता है, और उन्हीं 6% कैंडिडेट में से जो टॉप 2% होते हैं उन्हीं को JRF मिलता है। तो JRF की जो मेरिट होती है वो 2%, 2.5%, 3% नेट की मेरिट से ज़्यादा होती है। अब कितने मार्क्स पे, कितने परसेंटेज पे ये तय हो कि आपका सिलेक्शन, मतलब आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया सेट होता है वो कितने मार्क्स से कितने परसेंटेज पे होता है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि UGC कहता है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों में मिला करके स्टूडेंट के एटलीस्ट 40% मार्क्स आने चाहिए। 40% मार्क्स का मतलब ये हुआ कि दोनों जो आपके पेपर हैं दोनों को मिला लें तो 300 नंबर के, तो 300 नंबर के 40% कितना हुआ, लगभग 120 नंबर। तो 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप अब एलिजिबल हो गए हो सेलेक्ट होने के लिए नेट के लिए। अब आपका नेट में चयन होगा या नहीं होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके अपने सब्जेक्ट की मेरिट क्या है। तो यस माय डिफरेंस, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ में आपको अपने अपने सब्जेक्ट की मेरिट को भी क्रैक करना पड़ता है। अब UGC लगभग 84 अलग अलग विषयों में एग्ज़ाम कराती है, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का उड़िया होगा, किसी का तमिल होगा, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड सो हिस्ट्री एंड सो हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 84 अलग अलग विषय हैं। तो हर एक विषय की अलग अलग मेरिट बनती है। एक कॉमन क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि है 40%, ये सभी स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है, उतना लाना ही लाना है। तो जो नहीं ला पाते हैं वो उस रेस से बाहर हो जाते हैं। जिनका 40% आ गया वो अब अपने अपने सब्जेक्ट के मेरिट को क्वालिफाई करने के लिए या उस तक पहुँचने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल आप इसको ऐसे ही समझिए। तो 40% यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स लेके आने हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के। अगर आप SC ST OBC ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं तो 35% मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसके अलावा ये रेस आपकी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज मेरिट को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपके अपने सब्जेक्ट की जो भी लास्ट पास्ट 3 ईयर्स की मेरिट गई है अगर आप उसको एनालिसिस करोगे, उसको आप देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस साल के क्या कुछ मेरिट जाने वाली है। लगभग 1.5 से 2% का या 1% का ऊपर नीचे होता है, कुछ पॉइंट्स में भी डिफरेंस कभी कभी देखने को मिलता है, तो लगभग उतनी ही मेरिट जाती है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ साथ में आपको अपने अपने सब्जेक्ट की मेरिट को भी यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है और क्रैक करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना था। सो इसीलिए अपने माइंड से ये कन्फ्यूजन आप दूर कर दें कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके 40% आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके 120 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 120 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, फिर तो आप उस रेस में बने रहोगे, उसमें भी आपके सब्जेक्ट के अलग अलग मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चन था आप सभी की तरफ से। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा क्वालिफाइंग मार्क्स वाला या मेरिट वाला, और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ड्रॉप करेंगे अपने क्वेरी को, कंसर्न को, ज़रूर से मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताते चलें कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल पर मैं आप सभी लोगों के लिए कराती हूँ। हमारी नई बैचेस भी शुरू होने वाले हैं, अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर फर्स्ट वीक में न्यू बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर पेपर वन कंप्लीट कराऊंगी और पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट होने वाला है। सारे बैचेस बिल्कुल फ्री होंगे, स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाली हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे। अभी रिसेंटली जो हमारा बैच खत्म हुआ है, अगर आप डेमो के तौर पे कोई भी क्लास देखना चाहते हैं तो NTA UGC ने 2022 न्यू बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के इस बैच में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पेपर वन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। नया बैच शुरू होगा, नए सिरे से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा एंड बाय।